जी अस्सलाम वालेकुम। मेरी आवाज आप सबको ठीक आ रही है? जी क्लास, काइंडली बता दें कि आप लोगों को आवाज सही आ रही है। यस मैम, आवाज ठीक आ रही है। मैम एक बच्ची वेट कर रही है, उसको अलाउ कर दें। जी कर दिया है। देखिए आज का जो हमारा बेसिक हम स्टार्ट करने वाले हैं वो हमारा चैप्टर नंबर 6 है, जिसका नेम है कॉनिक सेक्शन। अब कॉनिक के नाम से ही आपको पता चल रहा है कॉनिक्स क्या होती हैं। जैसे आप कौन शेप में होता है, जैसे आप ये जो आप कौन आइस क्रीम जो है वो यूज करते हैं, तो उस पे भी जो वो कोन बनी होती है वो क्या होती है? कोनिक शेप में होती है। तो पे क्या कहेंगे, यहाँ पे हम ये कहेंगे कि कोनिक जो होती है उसको हम डिफाइन कर लेंगे। वो किस तरह डिफाइन करेंगे? आर द कर्व्स ऑब्टेन्ड बाय कटिंग आर डबल राइट सर्कुलर कोन बाय अ प्लेन। एक प्लेन को जब हम कट करेंगे डबल राइट सर्कुलर कोन में प्लेन के ऊपर, लेट आर एस बी अलाइन थ्रू द सेंटर सी एंड गिवन एंड परपेंडिकुलर टू। उसने यहाँ पे क्या किया है, उसने यहाँ पे इस डायग्राम को डिफाइन किया हुआ है। यहाँ पे वो इस चीज को डिस्कस कर रहा है, लेकिन यहाँ पे हम क्या देखेंगे, हम फर्स्ट ऑफ ऑल जो है राइट सर्कुलर कोन जो होती है वो कौन सी होगी, या कौन पॉइंट्स ऑन द सर्कल जनरेटेड उस पे क्या होगा, द लाइंस आर कॉल्ड रूलिंग्स आर जनरेटर्स ऑफ द कोन। जो कि राइट सर्कुलर कोन पे होंगे वो उसके क्या होंगे, जनरेटर्स होंगे। द सरफेस जनरेटेड कंसिस्ट्स ऑफ टू पार्ट्स कॉल्ड नेप्ड। अगर तो उसके दो सरफेस के दो पार्ट्स होंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगी, नेप्ड शेप हो जाएगी। मीटिंग एट द फिक्स्ड पॉइंट ए कॉल्ड द वर्टेक्स। ये जो फिक्स्ड पॉइंट ए आपको नजर आ रहा होगा यहाँ पे, ये देखें यहाँ पे आपको ये वाला पॉइंट ए ना आ रहा है नजर, ये क्या है हमारे पास, ये हमारे पास इसका वर्टेक्स है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो वो क्या कहते हैं, ए कॉल्ड वर्टेक्स और अपेक्स ऑफ द कोन। वर्टेक्स या अपेक्स, इसका दूसरा नेम अपेक्स भी, या आपके पास एमसीक्यूज भी आ सकता है, ऑफ द कोन। द लाइन आर एस इज कॉल्ड द एक्सिस ऑफ द कोन। ये जो लाइन होगी इसको हम क्या कहेंगे, ये एक्सिस होंगे। आपको पता होगा कि एक्सिस जो होते हैं सर्कल के भी दो एक्सिस होते हैं, एक्स और वाई एक्सिस होते हैं। तो इस तरह इफ द कोन इज कट बाय अ प्लेन परपेंडिकुलर टू द एक्स एक्सिस। ये देखिए यहाँ पे उन्होंने क्या किया, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल जो है वो कट कर रहे हैं, लेकिन इस फिगर के अंदर वो परपेंडिकुलर कट कर रहे हैं। जब परपेंडिकुलर कट कर रहे हैं तो देन द सेक्शन इज अ सर्कल। तो सर्कल के अंदर जो है वो सेक्शन यहाँ पे डिफाइन किया जाएगा। यहाँ पे नेक्स्ट वो क्या कह रहा है, यहाँ पे ये तीन चीजें डिस्कस की गई हैं, एक है इलिप्स, एक है पैराबोला और एक है हाइपरबोला। ये शेप्स हैं हमारे पास। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, द साइज ऑफ द सर्कल डिपेंड्स, ये डिपेंड्स करता है हाउ नियर द प्लेन इज टू वर्टेक्स ऑफ द कोन, के कोन और वर्टेक्स के अंदर जो है वो कितने करीब है, ये कितने एक दूसरे से दूर है। इफ द प्लेन पासिस थ्रू द वर्टेक्स ए, अगर प्लेन पास कर रहा है वर्टेक्स ए से, द इंटरसेक्शन इज जस्ट अ सिंगल पॉइंट, देन ए के पॉइंट से इंटरसेक्शन होगी और वो क्या कहेगा, पॉइंट ऑफ सर्कल कहलाएगा। ये देखिए इसके अंदर वो क्या कहता है, ये है पॉइंट ऑफ सर्कल हमारे पास। देन वो क्या कहता है, द कटिंग प्लेन, अगर जो हमारे पास कटिंग प्लेन है स्लाइटली टिल्टेड एंड कट्स ओनली वन नेप ऑफ द कोन, द रिजल्टिंग सेक्शन इज एन इलिप्स। अगर वो किसी एक ही पॉइंट या नेप्स के साथ जो है वो कट करेगा तो वो हमारे पास शेप जो होगी वो इलिप्स होगी। इफ द इंटरसेक्टिंग प्लेन इज पैरेलल टू अ जनरेटर ऑफ द कोन, अगर वो जनरेटर जो है वो पैरेलल होंगे कोन के, बट इंटरसेक्ट्स इट्स वन नेप ओनली, द कर्व ऑफ इंटरसेक्शन इज अ पैराबोला। इफ द कटिंग प्लेन इज पैरेलल टू द एक्स एक्सिस,
ऑफ द कोन एंड इंटरसेक्ट बोथ ऑफ इट्स नेप्ड देन द कर्व ऑफ इंटरसेक्शन इज कॉल्ड हाइपरबोला. इसको हम क्या कहेंगे, वो हाइपरबोला होगा. नेक्स्ट, आपने ये याद करने की जरूरत नहीं है लेकिन आपको पता होना चाहिए, द ग्रीक मैथमेटिशियन अपोलोनियस एंड पपूस अर्ली 4th century डिस्कवर्ड एनी इंटरसेक्टिंग प्रॉपर्टीज ऑफ द कॉनिक सेक्शन. इन दोनों ने जो है वो जो इनिशियल प्रॉपर्टीज थी कॉनिक सेक्शन की वो पेश की. नेक्स्ट हमारे पास जो पहला टॉपिक है हमारा वो है इक्वेशन ऑफ सर्कल. इक्वेशन ऑफ सर्कल को अगर हम डिस्कस करें तो इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होगी, द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन द प्लेन दैट आर इक्वली डिस्टेंट फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट इज कॉल्ड अ सर्कल. ये है सर्कल की डेफिनेशन, ये आपको आनी चाहिए. उसके बाद सेंटर क्या होता है सर्कल के अंदर, द फिक्स पॉइंट इज कॉल्ड द सेंटर, वो सेंटर होता है ऑफ द सर्कल. एंड द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल टू एनी पॉइंट ऑन द सर्कल या सर्कल की बाउंड्री पे जो पॉइंट्स होते हैं हम उनको क्या कहेंगे, वो होता है रेडियस ऑफ द सर्कल. अब क्या कहता है वो यहाँ पे, इफ सी एच के वो कह रहे हैं तो इस सेंटर ऑफ द सर्कल. अब सेंटर के जो होते हैं वो दो पॉइंट्स होते हैं, एक एक्स एक्सिस पे पॉइंट होता है और एक वर्टिकल वो सॉरी वाई एक्सिस पे होता है. आर इज द रेडियस एंड पी ऑफ एक्स एनी पॉइंट ऑन द सर्कल, ये कोई भी पॉइंट हो सकता है. देन द सर्कल डिनोटेड, सर्कल को किससे डिनोट कर रहे हैं, जिसमें सेंटर भी होगा और रेडियस भी होगा उसको एस से डिनोट कर रहे हैं. इन सेट नोटेशन इज, ये उनकी क्या सेट नोटेशन है. अब सेट नोटेशन में देखें एस सी आर किसके इक्वल होता है, वो पॉइंट होता है और जो उसका लाइन होती है सी पी उसका बार या उसका आप कह रहे हैं मॉड होता है, उसकी पॉजिटिव वैल्यू होती है वो रेडियस के इक्वल होती है. ये जो हमारे पास सी पी है ये डिस्टेंस होगा सी और पी पॉइंट के दरमियान. और डिस्टेंस हम किस तरह निकालते हैं, जो पॉइंट होता है x माइनस उस पॉइंट को हम माइनस करते हैं और उसका स्क्वायर ले लेते हैं. इसी तरह y माइनस k उसका स्क्वायर इज इक्वल टू r. अब x माइनस h का स्क्वायर प्लस y माइनस k स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर इज एन इक्वेशन ऑफ द इन स्टैंडर्ड फॉर्म. ये इक्वेशन जो है वो सर्कल की स्टैंडर्ड फॉर्म है. ये भी आपके पास MCQs आ सकता है, ये शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है कि आप सेंटर की जो है वो स्टैंडर्ड फॉर्म जो है वो लिखें. ओके हो गया यहाँ तक, अगर किसी को कोई बात समझ ना आई हो. मैम समझ यहाँ तक समझ. ओके हो गया. नेक्स्ट हमारे पास है, इफ द सेंटर ऑफ द सर्कल इज द ओरिजिन देन वन रिड्यूस टू द इक्वेशन नंबर वन. हमने उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म बनाई है उसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, जब ओरिजिन के ऊपर हम बात कर रहे हैं तो ओरिजिन के ऊपर क्या होता है, एक्स भी जीरो होता है और वाई भी जीरो होता है. मीन के एच भी जीरो होगा और के भी जीरो होगा. जब एच और के दोनों जीरो होंगे तो हमारे पास इक्वेशन क्या बन जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर. इफ आर इज इक्वल टू जीरो द सर्कल इज कॉल्ड अ पॉइंट सर्कल. जब रेडियस हमारे पास जीरो होगा तो देन हमारे पास क्या होगा, उसी पॉइंट को हम पॉइंट सर्कल कहेंगे. विच कंसिस्ट ऑफ द सेंटर्स ओनली. अब जो होता है, एक होता है हमारे पास कार्टेशियन प्रोडक्ट, एक होता है रेक्टेंगुलर पॉइंट, एक होता है स्फेरिकल प्रोडक्ट. लेकिन आपका यहाँ पे जो है वो इन चीजों से रिलेशन नहीं है, वो थोड़े हायर लेवल की बातें हैं. यहाँ पे हम देखते हैं लेट पी ऑफ एक्स, ये एक पॉइंट है जो पी ऑफ एक्स है हमारे पास जिसको हम मिलाते हैं तो हमारे पास रेडियस आता है. एंड लेट द इंक्लिनेशन ऑफ ओ पी, ओ पी जो है इसका जो डिस्टेंस है इसको हम आर का नाम देंगे. बी थीटा, ये एक थीटा भी मेयर कर रहा है यहाँ पे. इट इज क्लियर डेट जो इसके आप देखें एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस इसके दो पार्ट्स हैं. ये जो आपको फिगर में यहाँ पे नजर आ रहा है ना 0 to m, ये हमारे पास क्या है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस है. हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे इसका एंगल क्या है, एक्स इज इक्वल टू आर कॉस थीटा. एंड ये हमारे पास इसका वर्टिकल एंगल है और वर्टिकल एंगल के ऊपर ये क्या है, y इज इक्वल टू आर साइन थीटा. और अब ये जो पॉइंट है इसमें क्या है, एक्स वाई है तो आर कॉस थीटा कॉमा आर साइन थीटा लाइज ऑन टू फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ अ थीटा, ये तमाम थीटा के लिए. और ये जो इक्वेशंस आपके पास बनेंगी इनको आप क्या कहेंगे, ये आपके पास है पैरामीट्रिक इक्वेशंस. नेक्स्ट हमारे पास ये हमारी एग्जांपल नंबर वन है, इसके अंदर वो क्या कह रहे हैं, राइट एन इक्वेशन ऑफ द सर्कल विद सेंटर. सेंटर क्या होगा इसका,
माइनस थ्री टू फाइव एंड रेडियस सेवन, मीन के एच भी दिया हुआ है और के भी दिया हुआ है, आर भी दिया हुआ है, तो अब क्या करेंगे, फार्मूला हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, एक्स माइनस एच प्लस वाई माइनस के इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो यहाँ पे एच क्या था हमारे पास, माइनस थ्री, तो इधर माइनस था तो माइनस माइनस प्लस थ्री, एक्स प्लस थ्री का स्क्वायर प्लस वाई माइनस फाइव का स्क्वायर इज इक्वल टू सेवन स्क्वायर। इसको जब आप सॉल्व आउट करेंगे, इसको आप ओपन कर लें, इसको भी आप ओपन कर लें, इसको जब आप ओपन करेंगे तो एक्स एक्स स्क्वायर प्लस नाइन प्लस सिक्स एक्स वाई स्क्वायर प्लस ट्वेंटी फाइव माइनस टेन वाई इज इक्वल टू फोर्टी नाइन आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे फोर्टी नाइन को भी इस साइड पे लेके आएंगे इज इक्वल टू जीरो आ जाएगा, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जो आपके पास एक्स और वाई वेरिएबल के बगैर है उनको आप माइनस प्लस जब करेंगे तो आपके पास एग्जैक्ट आंसर जो है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स माइनस टेन वाई माइनस फिफ्टीन इज इक्वल टू जीरो आ जाएगा। यहां तक अगर आपको कोई बात समझ ना आई हो, मैम आ गई। ओके जी, नेक्स्ट हमारे पास है जनरल फॉर्म ऑफ एन इक्वेशन ऑफ अ सर्कल। ये थ्योरम है हमारे पास, इसको भी आपने अच्छे तरीके से कर लेना है, ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू जी ऑफ एक्स प्लस टू एफ ऑफ वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, मीन के उसने क्या किया, एक्स स्क्वायर भी है, वाई स्क्वायर भी है, एक्स कंपोनेंट भी है, वाई कंपोनेंट भी है, और कॉन्स्टेंट भी यहाँ पे शो किया गया है, सी यहाँ पे कॉन्स्टेंट है। रिप्रेजेंट अ सर्कल जी एफ एंड सी बीइंग कॉन्स्टेंट्स, ये जी भी कॉन्स्टेंट है, एफ भी कॉन्स्टेंट है और सी भी कॉन्स्टेंट है। अब ये जो इक्वेशन वन है इसको हम किस तरह लिख सकते हैं, आप इसको इस तरह लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस टू जी एक्स प्लस जी स्क्वायर, मीन के आप इसका अगर प्रॉपर सर्कल बनाना चाहते हैं ना, जैसे आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा जहाँ पे आप फैक्टराइजेशन करते हैं वहां पे कम्प्लीट स्क्वायर का भी ऑप्शन आता है, तो सेम यहाँ पे हम क्या करेंगे जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर इस इक्वेशन के अंदर ऐड कर देंगे, और इस साइड पे भी जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर करेंगे, और ये सी इधर प्लस में और इधर आके माइनस में हो जाएगा, ये कंप्लीट स्क्वायर बन जाएगा एक्स माइनस इनटू माइनस जी या एक्स प्लस जी का स्क्वायर, फिर आगे आप प्लस को कन्वर्ट कर सकते हैं माइनस माइनस में। इस पॉइंट की समझ आएगी आपको, देखिए यहाँ पे हमारे पास आता है ना एक्स स्क्वायर एक्स प्लस जी इसका होल स्क्वायर आता है, लेकिन अगर हम यहाँ पे चेक करते हैं प्लस को, अगर हम प्लस जो है ना हमारे पास हम उसको माइनस इंटू माइनस भी लिख सकते हैं, तो यहाँ पे उसने वही चीज यहाँ पे यूज किया, यहाँ पे एफ पे भी सेम वही चीज है, आगे ये जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस इसका भी कंप्लीट स्क्वायर बनाएंगे, इसको स्क्वायर रूट ले लें और इसका स्क्वायर कर लें, तो क्या हो जाएगा विच इज स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ एन इक्वेशन ऑफ अ सर्कल, ये स्टैंडर्ड फॉर्म बन जाएगी, उसमें हमारे पास क्या होता है एक्स माइनस एच वाई माइनस के एक्स माइनस के वाई माइनस एच, तो ये वो पॉइंट्स बन गए, और यहाँ पे क्या होता है आर स्क्वायर, तो यहाँ पे इसका आर जो है वो हमारे पास क्या है स्क्वायर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी आ जाएगा, और ये हमारे पास क्या हो जाएगी जनरल फॉर्म ऑफ एन इक्वेशन ऑफ द सर्कल। नेक्स्ट ये नोट है आपके पास लिखा हुआ, वन इज सेकंड डिग्री इक्वेशन इन विच कोफिशिएंट्स ऑफ ईच ऑफ एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर इज वन। एक्स और वाई का जो डिग्री है इनके साथ वो वन होनी चाहिए, कंटेन्स नो टर्म्स इन्वॉल्विंग द प्रोडक्ट एक्स वाई, इसके अंदर कोई भी ऐसी टर्म एग्जिस्ट नहीं करेगी जिसमें एक्स और वाई का प्रोडक्ट होगा। नेक्स्ट इक्वेशन है हमारे पास, अब देखे एग्जाम्पल नंबर वन में हमें पॉइंट दिए हुए थे और हमने ये वाली फॉर्म निकाली, ऐसे ही था ना, अभी हमें ये वाली फॉर्म दी हुई है हम इससे पॉइंट्स निकाल लेंगे। अब क्या है द गिवन इक्वेशन कैन बी रिटन एज, हम इसको क्या करेंगे, अब क्योंकि हमने इधर नोट में ही बता दिया है कि एक्स और वाई के साथ कोई भी वेरिएबल नहीं होना चाहिए, वन के अलावा कोई भी कॉन्स्टेंट इसके साथ नहीं होना चाहिए, अब यहाँ पे हम वन वन करने के लिए क्या करेंगे, इस पूरी इक्वेशन को फाइव पे डिवाइड कर देंगे, जब फाइव एक्स स्क्वायर को फाइव पे डिवाइड करेंगे तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा, जब 5 y square को करेंगे तो y square 24 by 5x plus 36 by 5x plus 10 by 5 होगा तो वो 2 के इक्वल आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास क्या आता है x square plus 24 by 5x y square plus 36 by 5 y आ जाएगा। अब यहाँ पे हम करेंगे क्या, यहाँ पे फिर वही बात कंप्लीट स्केयर का आप कर ले, यहाँ पे c is equal to 2 है
तो कंप्लीट स्क्वायर का हम यहाँ पे जो है वो यूज करेंगे, तो किस तरह करेंगे इसको, इसको भी एक्स स्क्वायर प्लस 24/5x प्लस, जब आप इसको कंप्लीट स्क्वायर की फॉर्म में लेके आएंगे तो आपके पास जी जो होगा वो 12/5 आ जाएगा, एफ जो होगा वो 18/5 आ जाएगा और सी 2 के इक्वल होगा। अब अगर यहाँ पे देखें द सेंटर ऑफ द सर्कल, सेंटर जो है वो सर्कल का हमारे पास, हमने ऊपर स्टैंडर्ड जो अभी थ्योरम किया है उसमें हमने कहा कि सेंटर जो है वो हमेशा इस फॉर्म में होना चाहिए, माइनस जी इंटू माइनस एफ। तो जी था हमारे पास 12/5, तो इसके साथ हम -12/5 और -18/5। इसी तरह रेडियस का फॉर्मूला यहाँ पे यूज करेंगे जब आप, तो वो आपके पास क्या आ जाएगा, 144/24 प्लस 324/25 -2। तो इसको आप जब नीचे लेके आएंगे तो इसको सॉल्व आउट करेंगे तो सिंप्लीफाई करके स्क्वायर रूट 418/5 इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास इक्वेशंस ऑफ सर्कल डिटरमाइंड बाय गिवन कंडीशंस। वो कौन कौन सी कंडीशंस हैं जो आपके पास हो तो आप इक्वेशन ऑफ सर्कल जो है वो बना सकते हैं। अ सर्कल पासिंग थ्रू थ्री नॉन लीनियर पॉइंट्स, अगर तो हमारा सर्कल थ्री नॉन लीनियर पॉइंट्स पे से गुजर रहा है तो हम उसकी भी, उसका भी सेंटर जो है वो, उसकी इक्वेशन, सेंटर ऑफ इक्वेशन बना सकते हैं। अब देखें उसने एग्जांपल नंबर 3 में क्या कहा है, फाइंड एन इक्वेशन ऑफ द सर्कल व्हिच पासिस थ्रू द पॉइंट्स, ए पॉइंट क्या है 5 to 10 एंड बी पॉइंट है 6 to 9, सी क्या हमारे पास -2 to 3। अब हमारे पास सी जो है एच और के भी है और ये दो बी पॉइंट, ए और बी दो पॉइंट्स हैं, तो हम इनका सबसे पहले ए बी डिस्टेंस निकाल लेते हैं। मैम आपकी आवाज नहीं आ रही, आपका माइक म्यूट हो गया। जी सॉरी, वो कॉल आ गई थी। जी नेक्स्ट आप देखें यहाँ पे हमारे पास क्या है, ये इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2g(x) प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। अब दो पॉइंट्स है हमारे पास, एक है ए पॉइंट और एक है बी पॉइंट। हम दोनों पॉइंट्स पे पहले सेपरेटली इसको डिफाइन करते हैं। अब देखें ए पॉइंट के अंदर एक्स हमारे पास 5 है और वाई हमारे पास 10 है, तो एक्स का स्क्वायर ले, 5 का स्क्वायर लेंगे तो 25 प्लस 10 का स्क्वायर लेंगे तो 1000, सॉरी 100 प्लस 5 2s are 10g प्लस 20f प्लस c इज इक्वल टू 0। तो ये हम इसको सिंपलीफाई जब करेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, 10g प्लस 20f प्लस c प्लस 125 इज इक्वल टू 0। इसी तरह अगर हम पॉइंट b के ऊपर अगर इसको डिफाइन करें तो 6 का स्क्वायर लेंगे तो 36 प्लस 9 का स्क्वायर लेंगे तो 81 प्लस 6 2s are 12g प्लस 9 2s are 18f प्लस c इज इक्वल टू 0, 12g प्लस 18f प्लस c इज प्लस 117 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारे पास जो फर्स्ट ऑफ ऑल हम किस चीज की बात कर रहे हैं, ये इक्वेशन हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 आ जाएगी। और इसी तरह अगर हम अपने सेंटर की बात करते हैं, सेंटर पे भी इक्वेशन को डिफाइन करेंगे तो सेंटर क्या है, 4 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर माइनस 4g प्लस 6f प्लस c इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट हमारे पास ये जो है वो इन तीन इक्वेशन आ गई हैं। अब हम इनको सिंपलीफाई कर लेंगे क्योंकि हमने g और f की वैल्यू निकालनी है। तो हम क्या करेंगे, नाउ वी सॉल्व द इक्वेशन 2, 3 एंड 4 सब्ट्रैक्टिंग 3 फ्रॉम 2। अब इक्वेशन नंबर 3 क्या थी, इक्वेशन नंबर 3 है 12g प्लस 18f प्लस c प्लस 117 इज इक्वल टू 0। इसको क्या करेंगे, 2 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। इक्वेशन नंबर 2 हमारे पास क्या है, इक्वेशन नंबर 2 है हमारे पास 10g प्लस 20f प्लस c प्लस 125। जब आप इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, -2g, क्योंकि अगर आप 10g में से -12 करेंगे तो -2g, 20 में से 18 करेंगे तो +2f प्लस 8 आ जाएगा इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 2 कॉमन ले लेंगे जब, तो g माइनस एफ माइनस सॉरी -2 कॉमन लेंगे तो g माइनस एफ माइनस 4, क्योंकि 2 भी में से 4 हो जाएगा,
एट में से, तो इज इक्वल टू जीरो. नेक्स्ट उसके बाद सब्ट्रैक्टिंग फोर फ्रॉम टू, वी हैव फोर को टू में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 14g प्लस 14f प्लस 112 इज इक्वल टू जीरो. इसी तरह इसमें से भी हम क्या करेंगे, 14 को कॉमन लेंगे तो जी प्लस एफ प्लस 8 इज इक्वल टू जीरो, तो 14 इधर आके जीरो पे डिवाइड होगा तो 14 खत्म हो जाएगा. नेक्स्ट अब क्या होगा हमारे पास, ये आ जाएगा जी माइनस एफ माइनस 4 और ये है जी प्लस एफ प्लस 8 इज इक्वल टू जीरो. इक्वेशन नंबर 5 और इक्वेशन नंबर 6 के अकॉर्डिंग हम अगर देखें तो हमारे पास इन दोनों को अगर आप सॉल्व आउट करते हैं तो f इज इक्वल टू 6 आएगा और g इज इक्वल टू 2 आएगा. जब आप f इज इक्वल टू 6 और g इज इक्वल टू 2 को कोई भी जो हमने ऊपर इक्वेशंस निकाली हैं किसी एक इक्वेशन के अंदर पुट करेंगे तो आपके पास c की वैल्यू आ जाएगी जो कि हमारे पास है 15. c हमारे पास 15 है और यहाँ पे जो द इक्वेशन ऑफ द सर्कल इज क्या बन जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x प्लस 12y प्लस 15 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा. नेक्स्ट हमारे पास क्या होता है, सर्कल पासिंग थ्रू टू पॉइंट्स एंड हैविंग इट सेंटर ऑन अ गिवन लाइन. अगर दो पॉइंट्स हैं और वो सेंटर में से पास कर रहे हैं और उनकी दो गिवन लाइंस हैं तो हम उनका भी जो है सर्कल निकाल सकते हैं. उसको हम किस तरह करते हैं, वो ये वाला होता है स्लोप ऑफ ए बी. स्लोप का जो फार्मूला होता है वो हमारे पास क्या होता है, वाई माइनस वाई वन डिवाइडेड बाय एक्स माइनस एक्स वन. इसी तरह स्लोप ऑफ ए ए पी लाइन की भी हम निकाल लेंगे और बी पी लाइन की भी निकाल लेंगे. देन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे इक्वल टू माइनस वन आ जाएगा और ये इसकी जो है वो स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है. ये जो आपको नजर आ रही है x माइनस x इंटू x माइनस 1 इंटू x माइनस x माइनस 2, क्योंकि इनका क्रॉस मल्टीप्लाई, इनको आप मल्टीप्लाई करेंगे y माइनस y1 y माइनस y2 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा हमारे पास. ये किस तरह आएगा, ये वाली जो फॉर्म है ये इधर रहेगी, ये वाली इधर जाके माइनस में हो जाएगी, देन यहाँ पे इसको इधर लेके आएंगे तो ये आपके पास प्लस में आ जाएगी. नेक्स्ट हमारे पास क्या, सर्कल पासिंग थ्रू टू पॉइंट्स एंड हैविंग टेंजेंट एट वन ऑफ दिस पॉइंट इज नोन. जहां पे एक पॉइंट जहां पे स्लोप्स होंगी, एक पॉइंट जहां पे तीन पॉइंट एग्जिस्ट कर रहे होंगे और थर्ड क्या है जहां पे टेंजेंट होगी. टेंजेंट की अगर हम बात करें तो टेंजेंट यहाँ पे क्या होगा, फाइंड एन, यहाँ पे उन्होंने कोई इसका इसको एक्सप्लेन नहीं किया लेकिन यहाँ पे उन्होंने एग्जांपल दे दी है. फाइंड एन इक्वेशन ऑफ द सर्कल पासिंग थ्रू द पॉइंट, ये सर्कल है एंड टचिंग द लाइन. अब टेंजेंट के अंदर क्या है, हमें एक लाइन दे दी गई है और उसके पॉइंट दे दिए गए हैं. लेट द सर्कल, अब सर्कल को हम फर्स्ट ऑफ ऑल जो है यहाँ पे डिफाइन कर लेते हैं. सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2g ऑफ x प्लस 2f ऑफ y प्लस c इज इक्वल टू 0. तो यहाँ पे हम उनको पॉइंट पुट करेंगे, ये सेंटर है हमारे पास माइनस टू माइनस फाइव एंड 4 3, दो हमारे पास पॉइंट्स हैं. दोनों के लिए डिफरेंट हम इक्वेशंस निकाल लेंगे. सिंपली पहले की तरह हम इन इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे, जी और एफ की वैल्यू निकाल लेंगे और उसको फिर एक इक्वेशन में पुट करके सी की वैल्यू निकाल लेंगे. जैसे ही हमारे पास जी एंड एफ सी की वैल्यू आ जाएगी तो हम उसको गिवन इक्वेशन के अंदर पुट करेंगे और वो हमारी जो है वो रिक्वायर्ड इक्वेशन होगी. यहाँ तक अगर आपको कोई पॉइंट समझ ना आया हो, जी क्लास मैम आ गई. बच्चे हिचकिचाना नहीं है आपने, जहां पे जो चीज आपको समझ नहीं आ रही वो आपने मुझे बतानी है ताकि मैं जो है उसको आपको वहां पे ही क्लियर कर दूं. ओके मैम. नेक्स्ट हमारे पास क्या है, अ सर्कल पासिंग थ्रू टू पॉइंट्स एंड टचिंग अ गिवन लाइन. अब वो सर्कल होगा जिसके दो पॉइंट्स होंगे और वो जो लाइन हमें दी होगी उनको टच कर रहे होंगे. नेक्स्ट हमारे पास क्या है, यहाँ पे इसकी अगर एग्जांपल आप देखें तो यहाँ पे ए पॉइंट है और बी पॉइंट है, दो पॉइंट्स दिए हुए और ये टचिंग लाइन है आपके पास. अब हम क्या करेंगे, पहले इन दोनों का डिस्टेंस निकाल लेंगे. डिस्टेंस आप जो ऊपर हमने इक्वेशन बनाई x माइनस एक्स वन प्लस एक्स माइनस एक्स टू, हम उस इक्वेशन से इसके इसके जो है वो निकाल सकते हैं. अब यहाँ पे उसने क्या किया है, डिस्टेंस ऑफ ओ ए डिस्टेंस ऑफ ओ बी इज इक्वल टू रेडियस ऑफ द सर्कल. मीन के ओरिजिन से ए पॉइंट तक और ओरिजिन से बी पॉइंट तक जो भी पॉइंट होगा वो हमारे पास रेडियस होगा. मीन के हम कहते हैं ना, ओरिजिन से सर्कल के पॉइंट तक कोई भी अगर पॉइंट है तो वो हमारे पास रेडियस काउंट होता है. अब यहाँ पे क्या होगा, h माइनस वन, पहले ए पॉइंट के लिए अगर हम देखें
एच माइनस वन का स्केयर प्लस के माइनस टू का स्केयर इज इक्वल टू एच माइनस वन का स्केयर के प्लस टू का स्केयर। ये पॉइंट बी के लिए है ये वाली, और ये पॉइंट ए के लिए है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, एट के इज इक्वल टू जीरो, के इज इक्वल टू जीरो। अब जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे ना, इसका भी हम स्क्वायर ओपन करेंगे, इसका भी करेंगे, इसका भी करेंगे और इसका भी करेंगे, इन सारी वैल्यूज को भी इस साइड पे लेके आएंगे तो हमारे पास एट के बच जाएगा, और जो कि जीरो के इक्वल होगा, तो के जो होगा वो हमारे पास जीरो के इक्वल होगा। हेंस इसका जो डिस्टेंस होगा, हम उसको किस तरह, हम इसका रेडियस किस तरह लेंगे, एच माइनस वन का स्क्वेयर प्लस फोर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, h माइनस वन का स्केयर प्लस फोर, तो ये हमारे पास इसका डिस्टेंस जो है वो रेडियस, उसको हम इस तरह रिप्रेजेंट करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है, नाउ लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फॉर्म h ऑफ k, h ऑफ जीरो, जब k जीरो होगा तो इन द लाइन x प्लस टू वाई प्लस फाइव इज इक्वल टू जीरो इक्वल द रेडियस ऑफ द सर्कल एंड इज गिवन बाय, ये इक्वल होगा इस रेडियस के जो कि हमें ये गिवन की गई है। अब इसको हम किस तरह डिफाइन करेंगे, देयर फोर मॉड एच प्लस फाइव स्केयर रूट फाइव, ये किसके इक्वल होगा, मॉड ऑफ ओ ए, डिस्टेंस ऑफ ओ ए इज इक्वल टू, और वो उसका फार्मूला क्या होता है, एच माइनस वन का स्केयर प्लस फोर। अब इस पे भी स्केयर रूट ले लेंगे, इसके भी स्केयर लेंगे, इसका स्केयर लेंगे तो नीचे वाला स्केयर रूट फाइव जो है, इसका स्केयर जो है वो कट जाएगा, एच प्लस फाइव का स्केयर आ जाएगा, और इसका भी स्केयर रूट जो है वो कट जाएगा, और एच माइनस वन स्केयर प्लस फोर हमारे पास बच जाएगा। इसको भी हम ओपन कर लेंगे, इसको भी ओपन कर लेंगे, इसको इधर लेके मल्टीप्लाई कर लें, इसको भी ओपन करेंगे तो सिंपली एक इक्वेशन आ जाएगी हमारे पास, फोर एच स्क्वायर माइनस ट्वेंटी एच इज इक्वल टू जीरो। और यहाँ से हम क्या करेंगे, एच को कॉमन ले लेंगे तो फोर एच माइनस ट्वेंटी रह जाएगा, तो एच इज इक्वल टू जीरो एंड फाइव हमारे पास दो पॉइंट्स आ जाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास द सेंटर ऑफ द टू सर्कल्स आर एट, उनका सेंटर कहाँ पे है, जीरो जीरो एंड फाइव जीरो, दो पॉइंट्स आ गए। सर्कल क्या, स्क्वायर रूट फाइव, रेडियस ऑफ द सर्कल स्क्वायर रूट ट्वेंटी, तो इक्वेशंस ऑफ द सर्कल हम इसको सेपरेटली जो है वो इनकी इक्वेशंस बना लेंगे, x माइनस फाइव का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वेंटी एंड x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू फाइव एंड x स्क्वायर प्लस फाइव वाई स्क्वायर माइनस टेन एक्स प्लस फाइव इज इक्वल टू जीरो। मीन की ये जो हमने वैल्यूज इवेल्युएट की हैं, ये आप गिवन इक्वेशन के अंदर जब पुट करेंगे तो ये वाली इक्वेशंस जो है वो हमारे पास आ जाएंगी। नेक्स्ट आ जाती है हमारे पास एक्सरसाइज 6.1। अब यहाँ पे हमारा जो टाइम है वो भी ऑलमोस्ट वन टू मिनट्स रह गए हैं क्लास का। होने में अगर किसी बच्चे के पास स्मार्ट सिलेबस है तो वो काइंडली क्वेश्चन बता दें कि कौन कौन से क्वेश्चंस हैं इसके। यहाँ पे हमारे चैप्टर जो 6.1 है, सॉरी चैप्टर नंबर 6 का आपके स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग क्वेश्चन जो एग्जांपल नंबर 2 है वो इम्पोर्टेंट है, उसके अलावा एग्जांपल नंबर 6 ये मैंने दोनों आपको करवा दी। एक्सरसाइज 6.1 में क्वेश्चन नंबर 1 का बी पार्ट, क्वेश्चन नंबर 1 का बी पार्ट हम यहाँ पे देखेंगे। मैं आपके साथ व्हाइट बोर्ड शेयर करती हूँ तो आप वहां से जो है मैं आपको इजिली दे सकूं। जी जी मैम, ये क्वेश्चन नंबर 1 के दो क्वेश्चन हैं बी एंड सी।
मैं आपको वो वाला कराऊंगी जो आपका क्लास वर्क में आता है, ओके हो गया। बाकी जो आपके होमवर्क में है ना, वो आपने कोशिश करनी है कि आप लोग उसको खुद से जरूर अटेम्प्ट करें, ओके मैम, ओके हो गया। यस मैम। तो अब यहां पे हम क्या करेंगे, हम अपना यहाँ पे 6.1 का जो है वो उसके बी पार्ट को डिस्कस करेंगे, जो कि हमारे पास क्वेश्चन क्या है, कैंडी क्वेश्चन मुझे जो है ना वो लिखवा दें आप। क्वेश्चन हमारे पास है, सेंटर हमें दिया हुआ है जो कि सी एच के, वो इक्वल है हम आपके पास स्केयर रूट 2 माइनस 3 स्केयर रूट 3। व्हाइट बोर्ड शेयर हो रहा है सबके साथ? यस यस मैम। रेडियस हमारे पास क्या है, 2 स्केयर रूट 2। अब हमने इक्वेशन ऑफ सर्कल निकालनी है, तो इक्वेशन ऑफ सर्कल का अगर हम देखें, अब देखें एच और के फॉर्म में दी हुई है, तो हमारे पास हमने सबसे पहला फॉर्मूला पढ़ा था वो क्या था, एक्स माइनस एच का स्क्वेयर प्लस वाई माइनस के का स्क्वेयर इज इक्वल टू आर स्क्वेयर। यहाँ पे अगर हम देखें तो एच हमारे पास क्या आता है, स्क्वेयर रूट 2, एक्स माइनस स्क्वेयर रूट 2 का स्क्वेयर, नेक्स्ट आ जाता है प्लस वाई, क्योंकि माइनस है यहाँ पे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 3 इंटू स्क्वेयर रूट 3 का स्क्वेयर इज इक्वल टू 2 स्क्वेयर रूट 2 का स्क्वेयर। अगर हम एक्स माइनस स्क्वेयर रूट 2 को अगर ओपन करते हैं तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वेयर माइनस 2 उसके अलावा एक्स प्लस 2 सॉरी और माइनस 2 स्क्वेयर रूट 2 एक्स। अगर वाई प्लस 3 स्क्वेयर रूट 3 को हम ओपन करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा वाई स्क्वेयर प्लस 6 स्क्वेयर रूट 3 वाई प्लस, क्योंकि यहाँ पे 3 3 का स्क्वेयर लेंगे तो 9 इसका स्क्वेयर रूट कट जाएगा, तो प्लस 27 इज इक्वल टू रेडियस किसके इक्वल आ जाएगा 8 के। अब हम इसको सिंपलीफाई कर लेते हैं, एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर माइनस 2 स्क्वेयर रूट 2 एक्स, मीन के जो हमारे पास जनरल इक्वेशन गिवन होती है उस फॉर्म में इसको कर लेते हैं 6 स्क्वेयर रूट 3 वाई, और जितने भी कॉन्स्टेंट है जिनके साथ कोई वेरिएबल नहीं है उनको एड और मल्टीप्लाई करेंगे तो वो सॉरी एड और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 21 आंसर आएगा इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास क्या आ जाएगी, ये इसका आंसर आ जाएगा और ये हमारे पास इक्वेशन होगी जो कि हमारे पास इक्वेशन ऑफ सर्कल क्वेश्चन में रिक्वायर्ड है। ओके हो गया यहाँ तक? यस मैम। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसका बी पार्ट यहाँ पे, और क्वेश्चन नंबर 3 का भी बी पार्ट और 4 का भी बी पार्ट, ओके हो गया। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 2 का बी पार्ट, अभी हमारे पास जो है 5 मिनट ऊपर चले, आप लोगों की और भी क्लास है या अभी फ्री हैं आप लोग? नो मैम फ्री है, 9 बजे क्लास होती है अभी। मतलब फ्री आपको करवा दूँ? यस मैम आप करवा।